नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम जबलपुर के महारानी दुर्गावती संग्रहालय में मौजूद हैं। ये डॉक्टर हीरा लाल राय कला वेदिका रानी दुर्गावती संग्रहालय है। महारानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो महारानी दुर्गावती गोड़ राजवंश की महारानी थी, जो जबलपुर राज्य में राज किया करती थी। इनसे जुड़ा हुआ ही जबलपुर शहर में मदन महल स्थित है, और साथ ही साथ इस संग्रहालय में उनके समय से जुड़ी हुई, उनके पूर्वजों के समय से जुड़ी हुई और उनके समकालीन विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की चीजें संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। अब हम अपने कैमरे के द्वारा इस जगह पर स्थित मूर्तियां और इस जगह पर स्थित महारानी दुर्गावती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिमाओं के साथ साथ उनके समकालीन चीजों के दर्शन आपको अपने कैमरे के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। प्रतिमा दमोह की है, 11वीं सदी की, और इसी तरीके से दूसरे तरफ बिल्कुल सम्मुख नायिका प्रतिमा दोनी दमोह की 10वीं सदी की। हम आगे बढ़ते हैं। ये युवाल प्रतिमा है जो खंडित आदिनाथ पीठिका है। रानी दुर्गावती संग्रहालय है, ये द्वार चौसर, ये भी एक द्वार चौसर यहाँ पर है, तो 11वीं सदी का। प्रतिमाओं को देखते चलिए। ये विशाल शिलापट बनी हुई पर बनी हुई एक प्रतिमा। ये प्रतिमाएं पूरी तरीके से खंडित हैं, और इनके खंडन का एक जो स्वरूप है आप देख सकते हैं कि इनका सबका मुख पूरी तरीके से बुरी तरीके से टूटा हुआ है, ये तोड़ा गया है। तीर्थंकर और जैन तीर्थंकर जैन शाखा, ये कटनी का स्तंभ है। पारसनाथ 11वीं सदी की प्रतिमाएं, और ऐसा कहा जा सकता है ये जो प्रतिमाएं हैं तो मुगलों के समय में, जब कह सकते हैं कि यहाँ के जो देवी देवता थे उनको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि ये सारी की सारी 10वीं सदी की ही प्रतिमाएं हैं, तो उस दौरान कह सकते हैं कि इन प्रतिमाओं को खंडित करने का प्रयास किया गया होगा, और ये प्रतिमाएं खंडित कर दी गई होंगी। कुछ प्रतिमाएं हम आपको, और ये अप्सरा की प्रतिमा है 11वीं सदी की, जबलपुर स्थापत्य खंड है ये 10वीं सदी का, दोनी दमोह का। ये भी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है जबलपुर की। एक चीज यहाँ पर इस देखने पर पता चलती है कि जो ये प्रतिमाएं हैं उनमें जैन तीर्थंकर पारसनाथ महावीर स्वामी, जैन संप्रदाय के जो गुरु थे, उनकी प्रतिमाएं काफी सारी हैं, लेकिन ये प्रतिमाएं खंडित हैं, जिसकी वजह से ये प्रतिमाएं यहाँ पर खंडित दिखाई देती हैं। अधिकतर प्रतिमाएं मूल रूप में ना होकर के उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा टूटा हुआ। ये सूर्य 11वीं सदी की प्रतिमा कटनी की, फिर ये गजद्वाल भड़पुरा जबलपुर की प्रतिमा, इसके बाद विष्णु, और ये एक प्रतिमा हनुमान जी की, हनुमान 12वीं सदी तेवर जबलपुर की, लेकिन ये पूरी तरीके से खंडित है, दिखाई नहीं दे रही है। विष्णु 10वीं सदी की ये प्रतिमा, जिसमें पूरी की पूरी प्रतिमा ही खंडित है, पूरा धड़ और पूरा सर खंडित है, सिर्फ दिखाई दे रहा है। उमा महेश्वर रावण अनुग्रह 11वीं सदी जबलपुर की प्रतिमा, चतुर्भुजी वराही ये प्रतिमा है, और इसके बाद ये भी जैन तीर्थंकर चतुष्का 10वीं सदी की प्रतिमा दोनी दमोह की। अब हम आते हैं तो और कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित हैं, लेकिन ये सारी की सारी प्रतिमाएं खंडित हैं। ये सती स्तंभ है 14वीं सदी का बना हुआ दोनी दमोह का, फिर ये आमलक 11वीं सदी तेवर जबलपुर का, इसके बाद यहाँ पर कुछ ये स्तंभ हैं, कार्तिकेय 10वीं सदी दोनी दमोह की ये प्रतिमा, और ये अप्सरा 10वीं सदी की प्रतिमा। ये कुछ पुराने माइलस्टोन हैं जबलपुर नागपुर, और ये काफ़ी पुराने माइलस्टोन दिखाई दे रहे हैं, और इस संग्रहालय में और भी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रतिमा है नंदी जी की प्रतिमा है, जो 12वीं सदी की है और जबलपुर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रतिमा का कुछ हिस्सा खंडित है, ये टूट चुका है, वहीं पर इसके नीचे का हिस्सा भी कुछ टूटा हुआ है। इसके बाद हम अगले प्रतिमा की ओर बढ़ेंगे। ये गणेश जी की प्रतिमा है, जो संगमरमर से बनाई गई है, 19वीं सदी की ये प्रतिमा है जो यहाँ पर। ये विष्णु जी की प्रतिमा है, जो 12वीं सदी की है, धर्मपुरी धार से ले आकर के यहाँ पर संरक्षित की गई है। इस प्रतिमा का भी कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो खंडित है,
और इस प्रतिमा का आकार और इस प्रतिमा के बारे में देखने पर पता चलता है कि द्रवणकालीन जो साउथ इंडिया दक्षिण भारत के मंदिरों में विष्णु जी की प्रतिमा होती है उन्हीं से रिलेट करती हुई उसी शैली में बनी हुई ये प्रतिमा है जो धर्मपुरी धार की है 12वीं सदी में की बनी हुई है। यहाँ पर भी एक प्रतिमा है जो जिसका ज़्यादातर हिस्सा खंडित है, 10वीं सदी की बनी हुई प्रतिमा है जबलपुर की, देवी प्रतिमा के नाम से यहाँ पर प्रतिबिंबित है, यहाँ पर अंकित है और काफ़ी पुरानी प्रतिमा कही जा सकती है। हिंदू सिंह अवतार प्रतिमा है 11वीं सदी की बनी हुई जो चित्रखेड़ा दमोह से ले आकर के यहाँ पर स्थापित है, इसका भी ज़्यादातर हिस्सा खंडित है, ज़्यादातर हिस्सा इसका भी टूटा हुआ है। प्रतिमाएँ हैं वो ज़्यादातर दमोह और जबलपुर से जुड़ी हुई प्रतिमाएँ हैं। आइए अब अगली प्रतिमा की ओर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं उस अगली प्रतिमा की। ये विष्णु प्रतिमा का अधोभाग है, लगभग 10वीं सदी की बनी हुई ये प्रतिमा जबलपुर की है जिसका ऊपरी हिस्सा खंडित है और इसमें कई सारी छोटी छोटी प्रतिमाएँ हैं और मुख्य तौर पर ये विष्णु जी की प्रतिमा है जो जबलपुर की है 10वीं सदी की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सिंह शार्दुल के 10वीं सदी की बनी हुई प्रतिमा भी स्थापित है जो धोनी दमोह से लाई गई है। धोनी दमोह की प्रतिमा है जो इस रानी दुर्गावती संग्रहालय में मौजूद है। यहाँ पर आप मेरे पीछे रावण अनुग्रह के अधोभाग जो 10वीं 11वीं सदी के दौरान निर्मित किया गया था वो देख सकते हैं, जिसमें रावण के निचले हिस्से का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। राम प्रतिमा है जो 12वीं सदी की है और धोनी दमोह की ये प्रतिमा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राम जी की प्रतिमा है जिनके बाएं हाथ की तरफ धनुष दिखाई दे रहा है, ये धनुष और ये प्रभु श्री राम की प्रतिमा है 12वीं सदी की नायिका प्रतिमा है जो अवस्थिताल जबलपुर की है और यहाँ पर रानी दुर्गावती संग्रहालय में संरक्षित की गई है, यहाँ पर ये स्थित ये चित्रखेड़ा दमोह की 10वीं सदी की प्रतिमा है जो चत्य गवाच द्वार में लगने वाले गुम्मत द्वार में शुरुआत में लगने वाले स्थान की ये प्रतिमा है, ये स्तंभ की एक प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मेरे पीछे विष्णु प्रतिमा बितान जो 11वीं सदी का निर्मित है और जबलपुर की ये प्रतिमा यहाँ पर संरक्षित की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच में एक चक्राकार जगह है और उस चक्राकार जगह के दोनों तरफ कई सारी प्रतिमाएं स्थित हैं या फिर कहें कई सारे नर और नारियों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित हैं जो एक समूह के तौर पर यहाँ पर इस प्रतिमा में अंकित हैं। हालांकि ये भी प्रतिमा काफ़ी हद तक खंडित हो चुकी है, कुछ ही इसमें लघु प्रतिमाएँ हैं जो पूरे तौर पर दिखाई देती हैं। ये नृत्य संगीत का दृश्य से जुड़ा हुआ एक शिलाखंड है जिसमें कई सारी प्रतिमाएं हैं जिसमें नृत्य करते हुए संगीत बजाते हुए यहाँ पर ढोलक बजाते हुए आप देख सकते हैं, नृत्य करते हुए देख सकते हैं इन प्रतिमाओं को। ये प्रतिमा भी 10वीं सदी से जुड़ी हुई है और ये जबलपुर की प्रतिमा है जो रानी दुर्गावती संग्रहालय में संरक्षित की गई। इस प्रतिमा में मुख्य तौर पर 3 प्रतिमाएँ दिखाई देती हैं। गवाक्ष में ब्रह्मा और विष्णु की लगभग काफ़ी पुरानी ये प्रतिमा है, 10वीं सदी के दौरान की ये प्रतिमा है जो जबलपुर की है और यहाँ पर संरक्षित की गई। विद्याधर जी की प्रतिमा है जो 11वीं सदी की जबलपुर की प्रतिमा है और इसका भी काफ़ी हिस्सा खंडित है, एक प्रतिमा इधर दिखाई दे रही, दूसरी प्रतिमा उधर है, लेकिन वो प्रतिमा टूट जाने की वजह से खंडित हो जाने की वजह से स्पष्ट तौर पर नहीं देखी जा रही। लगभग 12वीं सदी की बनी हुई तेवर जबलपुर की प्रतिमा है और इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि ये हल्के नीले रंग के संगमरमर के पत्थरों में बनी हुई उत्कीर्ण की गई ये प्रतिमा है। इस प्रतिमा का भी ज़्यादातर भाग खंडित है। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।